गाइस कैसे हैं आप सब लोग गाइस मैं आज आप सभी के लिए यहां पे सिप्ला जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से जॉब वैकेंसी के अपडेट लेके आ चुका हूं। जैसे कि आपको तो पता ही है सिप्ला एक मेडिसिनल कंपनी है और गाइस यहां पे सिप्ला में 2022 के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसीयां निकल के आ चुकी है और आप लोग यहां पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे यहां पे सिप्ला जैसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए नौकरी के लिए आवेदन करना है। इसके साथ साथ मैं यहां पे आपको पूरा फॉर्म फिल अप का प्रोसेस बताने वाला हूं, पूरा जो है आवेदन कैसे करना है चीज मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताने वाला चुकी है। काम यहाँ पे आपको 8 घंटे का करना होगा, 8 घंटे का ड्यूटी आवर रहेगा, महिला पुरुष सभी आवेदन कर पाएंगे। हाँ गाइस यहाँ पे मेल फीमेल सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, डायरेक्ट जॉइनिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। हाँ गाइस यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट जॉइनिंग मिलने वाला है, तो गाइस ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अवसर निकल के आ चुकी है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे सिप्ला जैसी बड़ी कंपनी में जॉब निकल के आ चुकी है और यहाँ पे अप्लाई मोड की बात कर ले तो ऑनलाइन मोड में आवेदन कर रहा है, कोई भी फीस वगैरह पे नहीं। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पोस्ट एंड लोकेशन की कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या लोकेशन निकल के आ चुकी है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे टीम मेंबर की पोस्ट है, ये लोकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है महाराष्ट्र लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। टीम लीडर की पोस्ट है, गाइस यहाँ पे टीम मेंबर की जो पोस्ट है यहाँ पे अगर आप लोग कम पढ़े लिखे हैं तभी भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पे टीम लीडर की पोस्ट आप लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए निकल के आ चुकी है, ये पवेल में निकल के आ चुकी है। इसके बाद ग्रुप ब्रांड लीड की वैकेंसी है, ये मुंबई में निकल के आ चुकी है। इसके बाद ग्रुप ब्रांड लीड की और एक वैकेंसी है मुंबई सेंट्रल के लिए, सब निकल के आ चुकी है। इसके बाद ब्रांड मैनेजर की वैकेंसी है मुंबई सेंट्रल। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं हेड असिस्टेंट इंटीग्रिटी एंड रिलेटिबिलिटी की वैकेंसी है, यहाँ पे ये जो है सिक्किम के लिए निकल के आ चुकी है। इसके बाद और एक साइंटिस्ट की वैकेंसी है महाराष्ट्र के लिए निकल के आ चुकी है। जूनियर ऑपरेटर की वैकेंसी है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गोवा में निकल के आ चुकी है। और एक साइंटिस्ट की वैकेंसी है ये भी यहाँ पे महाराष्ट्र में निकल के आ चुकी है। एपीआई एडीएल एनालिस्ट की वैकेंसी है कर्नाटक में निकल के आ चुकी है। तो वैसे ऐसे वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और भी बहुत सारी वैकेंसी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यानी कि आप लोग भारतवर्ष के किसी भी राज्य किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे। मेल फीमेल, हाँ गाइस यहाँ पे महिला पुरुष सभी आवेदन कर पाएंगे। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस, हाँ गाइस यहाँ पे फ्रेशर्स लोग भी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पहले काम नहीं किया है, वो लोग भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग भी आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पहले काम किया है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आप लोग को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोस्ट अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो 100% फ्री फॉर ऑल। अगर यहाँ पे आप लोगों को एक भी पैसा पे नहीं कर रहे सैलरी, तो सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू पोस्ट एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। अगर इस अलग अलग पदों के लिए आप लोगों को अलग अलग सैलरीज वाली जॉब देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो पहले आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह से एप्लीकेशन करना है, इसके बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आप लोगों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हर किसी के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। सो गाइस यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है सिप्ला जैसी बड़ी कंपनी में, इसको जानने के लिए आप लोगों को अभी से इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स है, हर एक स्टेप को यहाँ पे आप लोगों को फॉलो करना होगा, बारीकी से समझना होगा, तभी आप लोगों को यहाँ पे आवेदन करना है, तभी आप लोगों को यहाँ पे जॉब पाने के चांसेस जो है बढ़ जाएगी। तो देखिएगा मैं कैसे आवेदन करता हूँ, उसी तरीके से आवेदन कीजिए। मैं जितना भी जॉब्स बताया था हर एक जॉब यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं टीम मेंबर की जॉब या फिर टीम लीडर की जॉब या फिर ग्रुप ट्रेनिंग मैनेजर की जॉब, यहाँ पे हर एक जॉब आप लोगों के सामने शो करेगा। या फिर आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं जो सिप्ला का ऑफिशियल करियर पेज है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, मैं किसी भी एक जॉब में जस्ट डेमो के लिए आवेदन करके दिखाऊंगा, उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे आवेदन करना है। जैसे आप लोगों को ये वाला जॉब चाहिए तो आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जस्ट यहाँ पे मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अपने योग्यता वगैरह यहाँ पे मैच कर लेना है। अगर जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास एमएससी है, आप लोगों का यहाँ पे योग्यता मैच हो गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई वाला जो बटन है यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं जो अप्लाई वाला बटन है, आप लोगों को इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप लोगों को सामने कुछ ऐसा वाला पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है तो आप लोग कैसे साइन इन करेंगे, तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट एन अकाउंट, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं ये क्रिएट एन अकाउंट में आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक कर देंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये वाला फॉर्म को फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ पे अपना ईमेल आई डी को फिर से लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड बना देना है, पासवर्ड को फिर से लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लास्ट नेम, यहाँ पे अपना सरनेम और यहाँ पे कंट्री। आप लोग जैसे इंडिया से भारत से, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है भारत ही सिलेक्ट करना होगा, इंडिया सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक कर देना है।
क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे आप लोगों को क्या करना होगा, यहां पे आप लोगों को जो है साइन इन कर लेना है। जैसे आप लोग यहां पे साइन इन कर लेंगे, इसके बाद आप लोग यहां पे जो है आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिल अप कर पाएंगे। सो गाइस मैं आशा करता हूं आप लोग यहां पे आवेदन कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को यहां पे आवेदन का फुल प्रोसेस बताया रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक के साथ साथ प्यारा सा कमेंट भी आप लोग नीचे छोड़ सकते हैं हमारे लिए। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।